नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन संजय अंबटकर। तो आज का हमारा टॉपिक है आमलकी, आंवला। आप सभी इस प्लांट से प्रचलित हो, तो अभी हम इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी देखेंगे। आमलकी, इसका लैटिन नेम है इमलिका ऑफिसिनालिस। यूफोरबियेसी फैमिली का ये प्लांट है। चरक जी ने इसको व्यवस्थापन विरेचनोपक गण में लिया है और आचार्य सुश्रुत जी ने इसको त्रिफला और परशुकादि गण में इंक्लूड किया है। इसका संस्कृत नाम आमलकी है, धात्री भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में हम आंवला बोलते हैं, मराठीत आंवला। इसके फ्रूट से सभी लोग प्रचलित होंगे। इसके संस्कृत सिनोनिम में जैसे रसायन कहा है इसको, अमृत कहा है, रुष्या, रेचनी, श्रीफड़ा, ये सारे इसके सिनोनिम है। 20 से 25 फुट ऊंचा ये वृक्ष रहता है। इसके मेनली दो प्रजाति पाई जाती है, मेनली दो टाइप्स है इसके, एक वन्य प्रजाति और एक ग्राम्य प्रजाति। जो जंगल में रहती है वन्य प्रजाति, उसके आंवले साइज में थोड़े कम रहते हैं, और जो गांव में पाई जाती है, जो अपन ग्राम्य प्रजाति बोलते हैं, उसके आंवले का साइज बड़ा रहता है। हम जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं आंवला, तो मेनली उसको हमने वन्य प्रजाति का लेना चाहिए, मतलब ज्यादा पोटेंसी वाला, साइज में कम लेकिन पोटेंसी ज्यादा। इसके रासायनिक संगठन में, केमिकल कंपोजिशन में, गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, अल्ब्यूमिन और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मतलब वनस्पतिज जो प्लांट सोर्स है विटामिन सी का, सबसे ज्यादा आंवले में रहता है। सबसे ज्यादा रिच विटामिन सी किसी प्लांट में होगा, किसी फल में होगा, तो आंवला है वो। इसके मेनली गुण अगर देखे जाए तो गुरु, वृक्ष और शीत गुण रहते हैं इसमें। विपाक मधुर रहता है और पंचरसात्मक रहता है। जो फ्रूट रहता है आंवला, वो पंचरसात्मक रहता है। लवण विरहित पंचरस बोलते हैं, अम्ल प्रधान रहता है। सिर्फ लवण रस, जो सॉल्टी टेस्ट है, वो नहीं रहती इसमें। मेनली आमल की तो त्रिदोष शामक है, लेकिन इसकी पोटेंसी वीर्य शीत होने के कारण ये दाह शामक जैसे कार्य करता है। रुच, दीपन, पाचन, जो पाचन संस्थान के विकार है उसमें भी काफी कारगर साबित होता है। आमल की रसायन आप सबको पता होगा, रसायन कार्य करती है आमल की। शरीर के जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उस पर आमल की रसायन काफी कारगर साबित होता है। ज्वरग्न भी काम करता है, दाह प्रशमन करके काम करता है उसके प्रॉपर्टी की वजह से। आम्ल रस है, इसकी वजह से ये हृदय और शोनि स्थापन भी कार्य करता है। इसके अलावा ये अरुचि, अग्निमांद्य, यकृत विकार मतलब लिवर डिसऑर्डर्स, जीर्ण ज्वर में, तृष्णा व्याधि में, कई सारे डिसीजेस में हम आंवले का युक्तिपूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इसके फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो इसका स्वरस हमने 10 से 20 ml की क्वांटिटी में बताया है। आमल की रसायन, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश रसायन, धात्री रसायन, धात्री आमल की जो कल्प बनता है प्रमेह रोगी के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, ये भी काफी प्रचलित है आंवले से बना हुआ। ऐसे विभिन्न प्रकार के कल्प आंवले से बनते हैं, तो आयुर्वेद में और हमारे डेली लाइफ में भी इसका अनन्य साधारण महत्व है आंवले का। तो इसके हमने बेसिक जानकारी ली, तो मुझे लगता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ठीक है।